देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के कुशल नेतृत्व में वित्त विभाग की ओर से और भारत सरकार का बजट जनता का बजट होगा, जनता के लिए समर्पित होगा और सर्वस्पर्शी बजट होगा जो सभी वर्गों को स्पर्श करेगा और निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ने वाला बजट होगा। मिशन जो है 2047 का जो यह लक्ष्य लिया है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 2047 में हमारा देश विश्व में विकसित श्रेणी में नंबर एक पर आएगा। आने वाले 25 साल का जो रोड मैप बनाया है और आने वाले 2047 में हमारा वर्ष आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा और आने वाला भारत हमारा कैसा होगा इसका रोड मैप भी तैयार किया है, उस दिशा में मुझे लगता है कि यह बजट होगा। आर्थिक दृष्टि से भी हमारा देश विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में बनेगा, इस संकल्प को लेकर के, और मुझे लगता है कि इन सारी बातों का समावेश उसमें होगा। मध्य प्रदेश के लिए आपने क्या मांगा है, क्योंकि सिंह से भी आता है? बहुत सारी चीज़ें हमने कैन बेतवा के लिए भी हमने योजना है, महाकुंभ जो हमारा उज्जैन में होगा उसके लिए भी हमने मांग की है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमने और भी कई मांगे रखी है, तो निश्चित रूप से उन सब बातों का ध्यान केंद्र सरकार की ओर से रखा जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के कुशल नेतृत्व में वित्त विभाग की ओर से और भारत सरकार का बजट जनता का बजट होगा, जनता के लिए समर्पित होगा और सर्वस्पर्शी बजट होगा जो सभी वर्गों को स्पर्श करेगा और निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ने वाला बजट होगा। मिशन जो है 2047 का जो यह लक्ष्य लिया है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 2047 में हमारा देश विश्व में विकसित श्रेणी में नंबर एक पर आएगा। आने वाले 25 साल का जो रोड मैप बनाया है और आने वाले 2047 में हमारा वर्ष आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा और आने वाला भारत हमारा कैसा होगा इसका रोड मैप भी तैयार किया है, उस दिशा में मुझे लगता है कि यह बजट होगा। आर्थिक दृष्टि से भी हमारा देश विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में बनेगा, इस संकल्प को लेकर के, और मुझे लगता है कि इन सारी बातों का समावेश उसमें होगा। मध्य प्रदेश के लिए आपने क्या मांगा है, क्योंकि सिंह से भी आता है? बहुत सारी चीज़ें हमने कैन बेतवा के लिए भी हमने योजना है, महाकुंभ जो हमारा उज्जैन में होगा उसके लिए भी हमने मांग की है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमने और भी कई मांगे रखी है, तो निश्चित रूप से उन सब बातों का ध्यान केंद्र सरकार की ओर से रखा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।